नमस्ते, इमोहा एल्डर केयर में आपका स्वागत है। मैं डाइटिशियन रश्मि आज आपके साथ कुछ हेल्दी टिप्स शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि सुबह हमारे डॉक्टर सिद्धार्थ ने आपके साथ कोरोना वायरस के ऊपर बहुत सारी बात की थी, उन्होंने आपको हैंड वॉशिंग और बहुत सारी चीजों की नॉलेज दी थी। बट मैं आज आपके साथ कुछ हेल्दी टिप्स शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि पूरा देश इसके लिए परेशान है कि कैसे हम अपनी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट कर सके, कैसे बढ़ा सके, क्या चीज ऐसी है कि हम घर में वो चीजें अपनी डाइट में शामिल कर सके ताकि हम स्ट्रांग रहें। और इसके एंड में मैं आपसे, आप चाहें तो मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड, और मैं बहुत सारी कुछ पीपीडी भी आपके साथ शेयर करूंगी और एक वीडियो भी शेयर करूंगी, जो वीडियो हमारी हेल्दी ड्रिंक्स के ऊपर है। एक हेल्दी ड्रिंक की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। आप लोग देख पा रहे हैं मेरी पीपीडी? हाँ जी, तो मैं आपके साथ कुछ हेल्दी टिप्स शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या अपनी डाइट में शामिल करें, क्या चीज ना खाएं। सबसे पहले हम पानी की बात करेंगे। हमें इस टाइम पे अपना पानी का इंटेक, फ्लूड इंटेक हमें अपना बढ़ाना है। दिन में कम से कम हमें 8 से 10 गिलास पानी कम से कम जरूर पीना है। मैंने इसमें 10 से 12 गिलास मेंशन किया है, बट 8 to 10 गिलास कम से कम होना ही चाहिए अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। बट मैं, जैसे कि हमारे जो एल्डर्स देख रहे हैं उनमें से कुछ किडनी पेशेंट भी हैं तो, और कुछ हार्ट के पेशेंट भी हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूंगी कि वो अपना फ्लूड इंटेक ना बढ़ाएं। उनके लिए मैं डाइट में और भी चीजें भी ऐड करूंगी, वो चीजें वो अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। बट बाकी लोग अपना, चाहे डायबिटिक हैं चाहे नॉर्मल हैं, तो वो अपना फ्लूइड इंटेक थोड़ा सा बढ़ाएं। बी एक्टिव, एक्टिव रहना है। एक्टिव रहने के लिए अभी जैसे मॉर्निंग में आपको बताया था कि बाहर नहीं जाना, और आप लोग सोचेंगे कि हम घर में रह के कैसे एक्टिव रहें। हमारे डॉक्टर अनुराग आपके साथ सुबह मॉर्निंग में एक जो उनकी क्लासेस होती है उसमें वो योगा के बारे में आपका, या घर में हम कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो सारी चीजें आपके साथ उसके लिए वो शेयर करेंगे, ठीक है। और हमें अपना फूड इंटेक जो है, आउटसाइड फूड, बाहर का खाना हमें स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। हेलो, बाहर का खाना, आउटसाइड फूड हमें स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। घर का बना ही खाना लेना है। कोशिश करना है जो भी हम खा रहे हैं खाना, वो हमारा साफ सुथरा अच्छे से घर में बना हुआ हो, वो चीजें हमें अपने डाइट में इंक्लूड करनी है। आंवला, अभी हमने आपके साथ एक आंवला, जिंजर और बीट रूट का जूस की रेसिपी भी शेयर की थी। आंवला बहुत ही अच्छा है, विटामिन सी रिच फूड है, ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत हेल्पफुल है। तो हम आंवला अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, आंवले का मुरब्बा इंक्लूड कर सकते हैं अगर हम डायबिटिक नहीं है तो, आंवले की चटनी में इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर आंवले का जूस बना के भी हम ले सकते हैं। जिंजर, अदरक, हमारे इंडियन फैमिली में हर जगह अदरक बहुत यूज होता है, चाहे वो हम सब्जी में डाल रहे हो, चाहे हम चाय के, बिना अदरक की चाय हमें पसंद नहीं आती है, तो अदरक हमारे लिए बहुत ही अच्छा सोर्स है। तो हम अदरक भी इंक्लूड कर सकते हैं, अदरक कुछ अदरक की चाय बना के, या फिर उसको हम सब्जियों में डाल के किसी भी फॉर्म में हम ले सकते हैं। जब भी खांसी कफ कोल्ड होता है तो हम अदरक और शहद मिक्स करके उसका पेस्ट बना के भी लेते हैं, तो वो चीज आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गार्लिक, अदरक, सॉरी लहसुन के हम सब्जी में जरूर डालते हैं उसे। आप चाहें तो अर्ली मॉर्निंग खाली पेट भी आप उसको ले सकते हैं, अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपके साथ इंक्लूड करना चाहूंगी, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे पालक, मेथी, सरसों, आप इसका सूप बना के भी ले सकते हैं। ये आपके कॉन्स्टिपेशन में भी इम्प्रूव करेगा क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है, और ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी हेल्पफुल होगा। बट जो किडनी पेशेंट हैं, इसमें सोडियम भी बहुत ज्यादा होता है, पोटेशियम भी होता है, तो इसके लिए उनको ग्रीन लीफी वेजिटेबल की वो इसकी जगह आप वो लोग घिया ले सकते हैं, तोरई ले सकते हैं, फूल गोभी ले सकते हैं, जैसे कि कॉलीफ्लावर वगैरह, ये चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, बट पालक मेथी नहीं करना है। फ्रूट्स, फ्रूट्स ऑरेंज बहुत अच्छा है, हम ऑरेंज ले सकते हैं, पपाया ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, ये चीजें अपनी डाइट में हम इंक्लूड कर सकते हैं। लेमन वाटर,
ये नहीं। बट जो किडनी पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, वो थोड़ा सा ध्यान दे हाई ग्लाइसमिक इंडेक्स के फ्रूट्स जो होते हैं, जैसे बनाना, मैंगो, लीची, चीकू, ये वाले फ्रूट्स उन्होंने थोड़ा सा अवॉइड करने हैं। थोड़ा सा नहीं, ये वाले फ्रूट्स स्ट्रिक्टली अवॉइड करने हैं। बाकी फ्रूट्स वो अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे पपाया, एप्पल, गुआवा, पियर, ऑरेंज, ये वाले फ्रूट्स अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी मसालों की, स्पाइसेस की, जैसे कि आपका हल्दी। हल्दी एक बहुत ही अच्छा हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए सोर्स है। हल्दी वाला दूध इस टाइम पे हमें पीने से बहुत बेनिफिट मिलेगा। हल्दी हमारी सब्जियों में भी डलता है, उसमें भी ऐड कर सकते हैं। हल्दी अदरक का पेस्ट बना के हम अर्ली मॉर्निंग ले सकते हैं। अभी मैं आपके साथ एक रेसिपी भी शेयर करूंगी, जो हमारा टर्मरिक जिंजर टी है, वो हमारी बहुत ही हेल्दी टी है और मेरी फेवरेट टी है, तो उसके बारे में मैं अभी आपसे बात करूंगी, वो भी हम इसमें शेयर कर सकते हैं। तुलसी, पुदीना, ये सारी चीजें जो हमारी मतलब नेचुरल चीजें हैं, ये सब चीजें हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। और थोड़ा सा क्वांटिटी का ध्यान रखना है कि अगर हम अदरक ले रहे हैं, जैसे अब गर्मियां आ रही हैं, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में अदरक नहीं होना चाहिए। अदरक ले रहे हैं तो थोड़ा सा अभी इस टाइम पे तो हम ले सकते हैं, बट जैसे गर्मी आएंगी तो उसकी क्वांटिटी थोड़ा सा कम करनी है। अदरक बंद नहीं करना है, थोड़ा सा क्वांटिटी कम कर सकते हैं हम अपनी डाइट में। उसके बाद में अभी आपके साथ, हाँ, ग्रीन टी। ग्रीन टी बहुत ज्यादा हम लोग आजकल ग्रीन टी का फैशन है कि ग्रीन टी पीने से बहुत सारी चीजें, तो ये सच भी है, बट ग्रीन टी भी एक लिमिटेड अमाउंट में ही लेनी है। दिन में 2 ग्रीन टी आप ले सकते हैं, उससे ज्यादा मत लीजिएगा। और नॉर्मल टी अगर ले रहे हैं तो उसमें कैफीन होता है, तो नॉर्मल टी भी हमें दिन में 2 ही लेनी है, उससे ज्यादा नहीं लेनी है। नॉर्मल टी और ग्रीन टी की जगह अभी जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करूंगी, आप चाहें तो जिंजर गार्लिक, जिंजर टर्मरिक टी, वो अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, जो मेरी रेसिपी की वीडियो है। नमस्ते, मैं डाइटिशियन रश्मि फ्रॉम इमोहा एल्डर केयर। आज मैं आपके साथ एक हेल्दी ड्रिंक की रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ, टर्मरिक जिंजर टी। जैसे कि कई लोगों को बहुत ज़्यादा चाय पीने की आदत होती है, चाय में कैफीन होता है, अगर हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट में चाय लेते हैं तो उससे हमारे को बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, आप सब जानते हैं, हार्मफुल भी होता है हमारे बॉडी के लिए। जैसे हम उसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन होना, एसिडिटी होना, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। बट जो टी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ये बहुत ही हेल्दी है, ये हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने में भी हेल्पफुल है। मेरे घर में अगर मेरे बच्चे को या मेरी मदर को या फादर को, किसी को भी अगर कोल्ड कफ इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो कफ सिर्फ से पहले मैं ये टी देती हूँ ताकि उनको जल्दी रिलीफ मिले। और ये मेरी बहुत ही फेवरेट टी है, और इस टी को आप दिन में 2-3 बार भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसमें हल्दी है, अदरक है। हाँ, बट अभी जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो थोड़ा सा जो क्वान्टिटी मैं आपको बताऊँगी उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, जैसे काली मिर्च, अदरक और आपका दालचीनी को थोड़ा सा कम मात्रा में ले सकते हैं। लेकिन ये टी आप दिन में 2 बार ले सकते हैं, और ये बहुत ही, जैसे डायबिटिक पेशेंट के लिए या कोई वेट लॉस में हो या किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो रहा हो, हर एज ग्रुप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी इसमें जो जो चीजें यूज होती है, जैसे मैंने इसमें हल्दी ली है थोड़ी सी, काली मिर्च ली है पिसी हुई, दालचीनी लिए है थोड़ी सी, और मैंने इसमें थोड़े से अदरक के टुकड़े लिए हैं, और मैंने इसमें 1 गिलास पानी लिया है। पानी आप 1 गिलास से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाना है। सबसे पहले हम गैस को ऑन करेंगे। गैस ऑन करने के बाद मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाला। मैं एक ही गिलास बना रही हूँ, तो 1 गिलास पानी के बाद मैंने इसमें आपका, इसमें हमने थोड़ा सा अदरक डाला। अदरक के टुकड़े आप कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं और ऐसे छोटे छोटे पीसेस करके भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी दालचीनी डाली है। दालचीनी के बाद इसको हम इसे बॉईल होने देंगे, अदरक और दालचीनी को। जब तक हमारा अदरक और दालचीनी का पानी बॉईल हो रहा है, तब तक मैं ग्लास में हल्दी, हमें कच्ची ही डालनी है, हल्दी पाउडर, हल्दी डाली है, हल्दी थोड़ी सी डाली है। अगर आपके पास कच्ची हल्दी है तो आप उसे भी डाल सकते हैं, लेकिन वो बॉईल करते वक्त ही डालनी है। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा काली मिर्च ली है, 1 चुटकी काली मिर्च को मैंने पानी में ही डाला है। अब आप देखेंगे जैसे कि हमारा ये पानी बॉईल होने लग गया है,
जब ये पानी बॉयल हो के आधा हो जाए या एक गिलास से थोड़ा सा कम हो जाए तो हम इस गैस को बंद कर देंगे। और अब मैं इसको छन्नी से छान के ग्लास में डालूंगी। चलो, इसका रंग कितना प्यारा आ रहा है, ये मेरा फेवरेट कलर है। अब आप देखेंगे कि टर्मरिक जिंजर टी हमारी तैयार है। लेकिन अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो इसमें थोड़ी सी हनी ऐड कर सकते हैं। देखिए मैं थोड़ी सी हनी ऐड कर रही हूँ इसमें टेस्ट के लिए, नहीं है तो हनी ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। एक मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर आप डायबिटिक हैं तो इसमें आप मेथी दाना भी ऐड कर सकते हैं बॉयल करते हुए। मेथी दाना जो है आपकी शुगर कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। अब मैंने इसे मिक्स किया और आप टर्मरिक जिंजर टी का मज़ा लीजिए। आप ये बहुत ही हेल्दी टी है और जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी हेल्पफुल है। और हमें कोल्ड कफ या कुछ भी, अगर मेरे बच्चे को या घर में मम्मी को किसी को भी कोल्ड वगैरह कुछ होता है तो सबसे पहले हम उन्हें ये टी देते हैं। उसके बाद अगर टी से रेस्ट ना मिले तो उनको हम कफ सिरप देते हैं। तो आप ये टी ट्राई कर सकते हैं। जिन लोगों को बहुत ज्यादा चाय पीने की आदत होती है, चाय में बहुत ज्यादा मतलब ब्लैक टी अगर वो लेते हैं, कैफीन बहुत ज्यादा होता है, उससे हमें एसिडिटी होना और हमें कॉन्स्टिपेशन होना, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। बट अगर आप ये टी अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे तो आपको ये सारी प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा। दिन में 2 से 3 आप ये ले सकते हैं। बट जैसे इसमें मैंने आपका दालचीनी डाला है, अदरक डाला है, तो अब जब गर्मियां आएंगी तो ये थोड़ा सा गर्म तासीर के होते हैं, तो आपने इसकी क्वांटिटी थोड़ा सा कम करनी है। क्वांटिटी कम करके आप अपनी डाइट उसमें ऐड कर सकते हैं। अदरक को थोड़ा सा, जितना भी आपने पीस लिया है उससे थोड़ा छोटा पीस लेंगे और थोड़ा सा दालचीनी भी कम लेंगे, तो ये चीज आप अपनी उसमें ऐड कर सकते हैं। और बाकी मैंने आपको बताया, पानी पीना है, फ्रूट्स खाना है, थोड़ा सा स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील का पैटर्न अपनाना है, खाने में ज्यादा गैप नहीं देना। ये नहीं करना कि सुबह ब्रेकफास्ट किया उसके बाद डायरेक्ट डिनर किया, बीच में कुछ नहीं लिया, या ब्रेकफास्ट के बाद लंच किया तो बीच में मील गैप नहीं देना है। तो जैसे हमने अर्ली मॉर्निंग टी के साथ बिस्किट लिया या फिर आपने ये टर्मरिक जिंजर टी लिया, उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट किया, फिर लंच करते हैं, तो मिड मील में 11 o'clock कोई फ्रूट्स या जैसे खीरे का सीजन चल रहा है, चना, कुछ ना कुछ हल्का फुल्का लेना है, डाइट में इंक्लूड करना है। ऐसे ही लंच और डिनर के बीच में हमारा बहुत लंबा गैप हो जाता है, तो इवनिंग में हम कोई सूप इंक्लूड कर सकते हैं या कोई हेल्दी स्नैक्स, जैसे आपका रोस्टेड चना, स्प्राउट्स है आपका, या ब्लैक चने की चाट है, ये चीजें अपनी डाइट में आप इंक्लूड कर सकते हैं। और ऐसे ही मैं आपने जितने भी हमारे एल्डर्स हैं उनको बताना चाहूंगी कि रात का डिनर हम 8 से 9 बजे के बीच में करते हैं, उसके बाद हमारा जो मील गैप है रात भर में बहुत ज्यादा हो जाता है। तो कोशिश करें कि रात को सोने से पहले चाहे एक कप में लें थोड़ा सा हल्दी वाला दूध लेके ही सोएं। थोड़ा सा मिल्क लेना है, अपनी डाइट में इंक्लूड करना है ताकि मील गैप ना हो। जो हमारे डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें मील गैप नहीं देना, क्योंकि शुगर सिर्फ खाना खाने से नहीं बिना खाए भी बढ़ती है। अगर मील में बहुत ज्यादा गैप होता है तो हम उससे भी हमारी शुगर इंक्रीज होती है। तो ये छोटी छोटी बातों का हमने ध्यान देना है। और जो भी फ्रूट्स अभी इस टाइम पे आप फ्रूट्स अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं, वो जैसे कि होल फ्रूट्स होने चाहिए, मतलब कि जैसे आपका ऑरेंज है, मोटे छिलके वाले जो फ्रूट्स होते हैं वो चीज अपनी डाइट में इंक्लूड करना है इस टाइम पे आपने, या पपाया है आपका, बनाना है, ये वाले फ्रूट्स अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे अभी इस टाइम पे इन्फेक्शन से बचने के लिए। और बाकी अपना थोड़ा सा अपनी डाइट में, जैसे हमारे ज्यादातर एडल्ट्स मुझसे बोलते हैं कि हमें कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा होता है, तो अपनी डाइट आना है। एक्चुअली क्या है कि हम पानी कम पीते हैं, तो इससे भी हमें कॉन्स्टिपेशन या फिर हमें एसिडिटी, ये सारी प्रॉब्लम होती है। और इस टाइम पे हम वॉक करने बाहर नहीं जा पाते तो प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता, तो इसलिए थोड़ा सा वाटर इंटेक बढ़ाएं और थोड़ा सा अपनी डाइट में फाइबर इंटेक बढ़ाना है। तो फाइबर के लिए आपका पाया है, कुकुम्बर है, ये चीजें अपनी डाइट में थोड़ा सा इंक्लूड करनी है। तो ये सब मैंने आपको डाइट के रिगार्डिंग बताया।